सो वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस क्लेम, यानी जो कि आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो वो रिजेक्शन होने का रीज़न क्या है, आपको उस केस में करना क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने एडवांस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस क्लेम अप्लाई किया, जो कि आपका क्लेम हो गया रिजेक्ट, है ना। और वो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आया वहाँ पे एरर, इनसफिशिएंट सर्विस, यानी नॉट एलिजिबल फॉर द क्लेम। अब आप बोल रहे हैं, यार मेरा तो सर्विस 8 से 9 साल का है, मेरी सर्विस ज़्यादा है, तो ये क्लेम आखिर रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका रीज़न होता क्यों है, कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट होने का रीज़न होता है एनसीपी डेज। दूसरा, ये तो आपने बहुत सुना होगा, एनसीपी डेज क्या है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीजन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने पहली कंपनी में काम किया एग्जेम्प्टेड, दूसरी कंपनी में काम किया अनएग्जेम्प्टेड। अब आपने एग्जेम्प्टेड में 4.5 साल काम किए, जहाँ पर आपने अनएग्जेम्प्टेड में 2 साल काम किए। अब आपने अप्लाई करा अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से, ओके, आपने ट्रांसफ़र सब कर लिए। अब आपने अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से एडवांस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अप्लाई, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, रिजेक्ट हो गया। बोले कि आपने, यार मेरी सर्विस तो हो रही है 6.5 साल, है ना, तो क्यों रिजेक्ट हुआ? इसलिए क्योंकि आपकी पेंशन की सर्विस, यानी ईपीएस सर्विस आपकी ऐड ही नहीं हुई है। देखो, जब आप पीएफ ट्रांसफ़र करते हो तो आपका पीएफ का एक्युमुलेशन, यानी जितना भी एम्प्लॉयर सारी चीज़ें वो ट्रांसफ़र हो जाती है, बट आपकी ईपीएस सर्विस ट्रांसफर नहीं होती है। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड, बाकी अनएग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड में हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप आप लोग समझ गएंगे। अब आप बोलेंगे, भाई सिचुएशन तो बता दिया तूने, अब यार सॉल्यूशन भी बता दें। देखो, अगर आपका एनसीपी ज़्यादा है ना, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आपको सर्विस करते रहना है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन कहते, 30 दिन और काम करो, उसके बाद आप कर दो अप्लाई, है ना। बट अगर सेकेंड केस है, तो उसमें आपको देना होता है ईपीएस एनेक्सर के, सर्विस ऐड करवाना होता है। अब भाई, ये ईपीएस एनेक्सर के कौन देगा, क्या मेरी कंपनी, क्या पीएफ ऑफिस? नहीं, सिर्फ आपको मिलेगा पीएफ ऑफिस से। क्या मैं चला जाऊँ? जा सकते हो, करीब है तो चले जाओ पीएफ ऑफिस, दूर है अदर स्टेट में तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताएंगे। ईपीएफआईजी में ना, ये नहीं बताएंगे हम आपको सही बताएंगे कि आपको मिलेगा कैसे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं, हाँ।